चलिए देखिए, बाकी की जो समरी है उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं ना। कहाँ पर थे हम टाइम एंड डिस्टेंस में देख लेते हैं। कितने टाइप तक समरी मैंने कवर करवाई थी आपको? आई थिंक टाइप 5 करवा दिया था, टाइप 6 है ना। चलिए समरी कंटिन्यू करते हैं, टाइप 6। क्लियर? ध्यान देना है ना, समरी का मतलब मैं बार बार बता चुका हूँ आप लोगों को कि जब भी किसी टाइप के एक या दो क्वेश्चन करवाऊँ मैं, है ना, तो उन एक या दो क्वेश्चन को देखने के बहाने आप लोगों को शीट के बाकी के सारे क्वेश्चन उस टाइप के ओरली इमेजिन करना है, या फिर पेन चलाना पड़े तो चलाओ। समरी के बहाने आपका पूरा टॉपिक कवर होना चाहिए बार 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 बार। समझ आ रही बात? ये पर्पस है ना, ध्यान रखिएगा। ठीक है, टाइप 6 में कैसे क्वेश्चन है? स्टॉपेजेस वाले क्वेश्चन है ना, बार बार रुक कर चलने वाली गाड़ी, बार बार रुक कर चलने वाली गाड़ी, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी। चार क्वेश्चन है इसमें, चार में से मैं तीसरा और चौथा करवा देता हूँ, है ना, चौथा सवाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं पहले। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 जैसे क्वेश्चन कई बार रिपीटेशन में आए हैं, है ना। क्या है क्वेश्चन? बिना रुके एक रेलगाड़ी की एवरेज स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर, रुक रुक कर चलने पर उसकी औसत चाल 54 हो जाती है। तो 72 की चाल है, 54 हो जाती है, मतलब कितने का नुकसान हो रहा है? 18 का, यानी कि 72 में से 18 का नुकसान हो रहा है, यानी कि एक चौथाई समय बर्बाद हो रहा है। बता चुका हूँ ना, समझा चुका हूँ बहुत अच्छे से। ठीक है, ओरिजिनल चाल 72 है, लेकिन रुक रुक के चलने पर प्रति घंटा 54 ही हो पा रहा है, यानी कि प्रति घंटा 18 का नुकसान हो रहा है, यानी कि 72 में से 18, यानी कि एक चौथाई टाइम वेस्ट हो रहा है, एक चौथाई वो रुक रहा है, यानी कि टोटल 4, टोटल टाइम कितना है 4, और 4 में से स्टॉप टाइम कितना है 1, ये कहने का मतलब है इसका। ठीक है, अब सुनिए, यदि वो 4 मिनट काम करता है तो 4 मिनट में से 1 मिनट वो वेस्ट कर रहा है, रुक रहा है। ठीक है, 4 में से 1 रुक रहा है, यानी कि 3 चल रहा है केवल। ठीक है, यानी कि हर 4 मिनट में 1 मिनट रुक रहा है, हर 4 घंटे में 1 घंटा रुक रहा है, हर 4 सेकंड में 1 सेकंड रुक रहा है, ऐसा कहने का मतलब 4 में से 1 रुक रहा है, केवल 3 काम कर रहा है। ठीक है, ये कहने का मतलब है इसका। अब इसमें पूछा है 52 मिनट में कितने समय का विश्राम लेती, 52 मिनट में कितना समय रुकती है, तो 52 मिनट के अंदर कितना रुकेगी, तो 52 का एक चौथाई 13 मिनट रुकेगी कि नहीं रुकेगी बताइए, या फिर 4 बराबर 52 मिनट इंटू 13 का रिलेशन है, तो 1 इज इक्वल टू इंटू 13 करेंगे, बताइए 13 मिनट्स आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर है इतनी बात? 4 बराबर 52 तो 1 बराबर 13, तो हर 52 मिनट में 13 है ना, एक चौथाई। क्लियर? ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है इसका, है ना, उसको कर लेते हैं। ठीक है, ये टाइप 6, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, प्री और मेन एग्जाम में भी आए हैं क्वेश्चंस। ठीक है, जो मैंने करवाया। अब देखो, थोड़ा सा डिफरेंट लेवल का, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है थोड़ा सा, दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा, ऐसा क्वेश्चन एसएससी में आया नहीं है ना। ठीक है, बट आ सकता है ना। एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी जिसकी स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है, प्रत्येक 60 किलोमीटर के बाद 5 मिनट रुकती है। एक लोकल रेलगाड़ी जिसकी स्पीड 35 किलोमीटर पर आवर, प्रत्येक 17.5 मिनट के बाद 2 मिनट रुकती है। ठीक है, ओके, है ना, दोनों एक ही समय पर चलना चालू करती है। ठीक है, लोकल रेलगाड़ी उतने समय में कितने किलोमीटर चलेगी जितने टाइम में एक्सप्रेस रेलगाड़ी 540 किलोमीटर चलती है। क्वेश्चन क्या है? जितने टाइम में एक्सप्रेस, है ना, कौन से ट्रेन? एक्सप्रेस। ठीक है, जितने टाइम में एक्सप्रेस आपकी 540 किलोमीटर चलेगी, ठीक है ना, एक मिनट, 72 ना, एक मिनट, सॉरी 90, हाँ ठीक है। देखिए सवाल ये है, जितने टाइम में एक्सप्रेस 540 चलेगी, एक्सप्रेस है ना, जितने टाइम में एक्सप्रेस 540 किलोमीटर जाएगी, उतने ही टाइम में लोकल कितना किलोमीटर जाएगी, उसी टाइम में, सेम टाइम है ना, उतने ही टाइम में लोकल कितना जाएगी। ठीक है, होता है ना, जैसे हम स्टेशन पे बैठे हैं, स्टेशन पे बैठे हैं, मान लो हमारी ट्रेन 2 घंटे बाद है, तो हमारी आंखों के सामने से उन 2 घंटों में ट्रेनें निकलती रहती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक सवाल आया एक इंसान के मन में प्लेटफॉर्म पर बैठे बैठे, क्लियर, प्लेटफॉर्म पर बैठे बैठे एक सवाल आया, उसने अपनी आंखों के सामने से एक्सप्रेस गाड़ी भी देखी लोकल, उसने देखा कि एक्सप्रेस गाड़ी बहुत स्पीड से गई, लोकल गाड़ी धीमे गई, तो उसके दिमाग में मन में सवाल आया कि यार एक्सप्रेस गाड़ी जितने टाइम में इतना जाती होगी, लोकल रेलगाड़ी उतने टाइम में बहुत कम जाती होगी, है ना, आता है ऐसा सवाल। क्लियर, तो वही सवाल है, जितने टाइम में एक्सप्रेस 540 जाती है, उतने ही टाइम में लोकल कितना जाएगी। क्लियर, तो सीधी सी बात है, जिस टाइम में एक्सप्रेस 540 गई, उतने ही टाइम में लोकल थोड़ा कम जाएगी कि नहीं जाएगी। क्लियर, तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी को 540 जाने में कितना टाइम लगा, वो टाइम निकाल लेते हैं, उतने ही टाइम फिर लोकल को चला के देखेंगे, जितनी दूरी आएगी वो आंसर होगा। क्लियर, तो एक्सप्रेस को 540 जाने में कितना टाइम लगता है, एक्सप्रेस की स्पीड कितनी, 90 किलोमीटर पर आवर एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड है। क्लियर था ना? ठीक है,
अब देखिए ये एक्सप्रेस ट्रेन का क्या पैटर्न है चलने का, 60 किलोमीटर बाद 5 मिनट। अरे यार सीधी 540 थोड़ी ना जाएगी, बीच में रुकेगी ना। 60 किलोमीटर के बाद कितनी रुकती है, 5 मिनट, क्लियर है ना। अच्छा 60 60 कितनी बार आएगा इसमें, 9 बार है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार। ये 60 60 किलोमीटर का कितने सेट है, 9 सेट, क्लियर। आई बात समझ में, ठीक है ना। तो अब हर हर स्टॉप पे हर 60 के 5 मिनट रुकना होगा ना, 5 मिनट रुकना होगा ना, 5 मिनट रुकना होगा। आप देखिए 8 बार रुकना हो रहा है 5 मिनट, तो 60 की चाल से देखिए टोटल टाइम जो लिया है, टोटल टाइम दो जगह इन्वेस्ट हुआ, एक तो चलने चलने में 60 की चाल से और एक रुकने रुकने में, तो ट्रेवल टाइम प्लस स्टॉप टाइम है ना। बहुत स्पीड से करना है क्वेश्चन आपको एग्जाम में, मैं होता तो इतना काम तो ओरली करता मैं, ट्रेवल टाइम प्लस स्टॉप टाइम। ओरली करता जरूरी नहीं है आप भी ओरली करें, बट एटलीस्ट पेन चलाएं, बट स्पीड से मैं समझा रहा हूँ इसलिए पूरा स्ट्रक्चर बनाओ। अच्छा ट्रेवल टाइम 90 सर, 90 की चाल है ना यार, हाँ स्पीड 90 की, 90 की चाल से 540 जाने में 6 घंटे लगेंगे क्या, तो बताइए ट्रेवल टाइम 6 घंटे हो जाएगा। अरे यार टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड से आता है ना, डिस्टेंस कितना है 540 और स्पीड कितनी 90, तो बताइए टाइम 6 घंटा लगेगा कि नहीं लगेगा, 6 घंटा प्लस स्टॉप टाइम की बात करें है ना, प्लस स्टॉप टाइम की बात करें, ठीक है। हर 60 किलोमीटर 5 मिनट रुकना है, तो 5 मिनट कितनी बार रुकना है, 8 बार, तो स्टॉप होने वाला टाइम टोटल 40 मिनट, तो 6 घंटा, 6 घंटा यानी कि 360 मिनट प्लस 40 मिनट, टोटल 400 मिनट का टास्क है। जितने टाइम में एक्सप्रेस 540 जाएगी, तो कितने टाइम में एक्सप्रेस 540 जाएगी, 400 मिनट में, उतने ही समय में लोकल कितनी जाएगी, तो अब 400 मिनट हम लोकल को दौड़ाते हैं, क्लियर। लोकल ट्रेन के दौड़ने का तरीका क्या है, 35 किलोमीटर के बाद, सॉरी 17.5 किलोमीटर के बाद 2 मिनट रुकती है। देखिए 17.5 किलोमीटर जाएगी लोकल, कैसे जाएगी, लोकल चलेगी स्टेशन से, चली 17.5 किलोमीटर चली, उसके बाद वो 2 मिनट रुकेगी, कितने मिनट रुकेगी, 2 मिनट, क्लियर, ठीक है, 2 मिनट्स, 2 मिनट्स रुका। इन 2 मिनटों में उसने कितनी दूरी तय की, 0, रुका ना 2 मिनट है ना। 17.5 किलोमीटर जाएगी लोकल, उसके बाद 2 मिनट रुकेगी, 2 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, 0। बोलिए आती है क्या बात समझ में, क्लियर, 2 मिनट में 0 है ना। अब चाल क्या है, 35 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है क्या, चाल क्या है, 35 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, यानी कि 1 घंटे में 35, यानी कि 60 मिनट में 35 किलोमीटर एसी चाल है लोकल की। यदि 35 किलोमीटर 60 मिनट में, तो ये लोकल 17.5 मिनट 30 मिनट में गई होगी क्या, सोचिए जरा। लोकल का पैटर्न क्या है चलने का, लोकल गाड़ी को दौड़ा रहे हैं उसके पैटर्न के अनुसार जो क्वेश्चन में दिया है, 35 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 1 घंटे में 60 मिनट में 35, तो 17.5 किलोमीटर चलने के बाद 2 मिनट रुकेगी, 17.5 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगा, तो 35 किलोमीटर 60 मिनट में, तो 17.5 किलोमीटर 30 मिनट लगा होगा, क्लियर। फिर उसके बाद 2 मिनट रुका इसने, आई बात समझ में, क्लियर, ठीक है। तो टोटल देखिए 32 मिनट में 17.5 किलोमीटर हो रहा है क्या, बत्तीस, 30 और दो कितना हुआ, 32 है ना, बत्तीस मिनट में कितना हो रहा है, 17.5 किलोमीटर है ना। तो एक साइकिल बन गया हमारा, एक साइकिल बनी ना हमारी, एक साइकिल क्या बनी कि भैया 32 मिनट्स में 17.5 किलोमीटर, ये एक साइकिल बनी, ठीक है। 32 मिनट में 17.5 काम होगा, क्योंकि 2 मिनट तो रुकने का ना वेस्ट हुआ ना, तो ओवरऑल टोटल 32 मिनट में 17.5, तो 32 मिनट का एक सेट लेंगे, तो 32 मिनट के अंदर 2 मिनट रुकने वाला भी इंक्लूड हो गया ना, तो 32 मिनट में ओवरऑल 17.5 का काम करेगी ये ट्रेन, क्लियर। अगले 32 मिनट में फिर 17.5, क्लियर, तो टोटल 400 मिनट है ना, तो 32 इंटू कितना करें 400 के लिए, इंटू 10 करूंगा तो 320 मिनट ही आएगा, इंटू 12 करूं क्या, इंटू 12 है ना, 400 मिनट जाना है ना, उतना इंटू करोगे 400 मिनट के पास पहुंच जाओ, 400 मिनट तो इंटू 400 तो आएगा नहीं 32 के मल्टीपल में है ना, क्लियर, तो 400 के ठीक पहले रुकेंगे, तो 32 बार करेंगे तो 320 और 64 384 है ना, 384 हाँ, 13 बार में तो पार हो जाएगा 400 के, तो 12 बार में ठीक 400 के पहले रुकेगा, तो इंटू 12 कितने, 32 इंटू 12 करोगे 384 मिनट्स आएगा, 384 मिनट्स में 17.5 इंटू 12 है ना, 35, ठीक है, 210 किलोमीटर,
384 मिनट में 210 किलोमीटर, क्लियर? ठीक है, अच्छा 400 मिनट है ना, तो 384 मिनट में 210 किलोमीटर, अब कितने मिनट और बचे? 16 मिनट और बचे क्या? टोटल 400 मिनट चला है ना, तो 16 मिनट और बचे, 16 मिनट में कितना जाएगी? ठीक है, 16 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, है ना? तो टाइम 16 मिनट है, स्पीड 35 किलोमीटर प्रति घंटा है, स्पीड है 35 किलोमीटर प्रति घंटा, टाइम कितना है? 16 मिनट। तो 16 मिनट में 35 की चाल से कितना जाएगी, वो दूरी पता करना है ना। ठीक है, तो डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम से आता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितनी है? 35 किलोमीटर पर आवर, पर आवर, और टाइम कितना है? 16 मिनट। आई बात समझ में? क्लियर, स्पीड कितनी है? 35 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना है? 16 मिनट। ठीक है, अब यहां से देखिए आप, ठीक है, कहानी क्या है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। किलोमीटर में निकालना है तो मिनट को घंटे में बदल लें अपॉन 60 करके, यहीं कहीं आर में हो जाएगा ना, ताकि आर से आर कैंसिल होगा। ठीक है ना, चार से एक मिनट, चार से चार बार, चार से 15 बार, है ना, पाँच से 3 बार, पाँच से 7 बार, 7 चौक 28, 28 बाई 3 किलोमीटर, है ना, फ्रिक्शन में दिया, यस, 28 बाई 3 को क्या लिखेंगे? 9.33 किलोमीटर आएगा क्या ये, है ना? ठीक है, 9.33, तो 9.33 किलोमीटर इसमें ऐड करेंगे तो 219.33 किलोमीटर आंसर आएगा क्या इसका? आ सकता है ऐसा क्वेश्चन एसएससी मेन में, प्री में तो नहीं आ सकता, है ना। ठीक है, सवाल समझ में आया ना आपको? जितने टाइम में एक्सप्रेस ट्रेन 540 जाएगी, उसी टाइम में, उसी टाइम में, उसी 400 मिनट में लोकल कितनी जाएगी? 219.33, क्लियर? ठीक है, चलिए टाइप 7 जो है, टाइप 7 के क्वेश्चंस में नहीं करवा रहा हूं, या फिर लास्ट में करवा दूंगा, है ना। चलिए टाइप 8 पर आ जाते हैं, ठीक है, टाइप 8 आ जाते हैं, टाइप 8 पर हम, ठीक है, चलिए देखिए, है ना, क्वेश्चन जो करवा रहा हूं, क्वेश्चन को देख देख कर पूरा टॉपिक रिवाइज आपका हो जाना चाहिए। जब भी समरी देखो, शीट पूरी हाथ में रखो, है ना, बार बार दोहरा रहा हूं, ये जो मैं बोल रहा हूं बार बार ना, ये शब्द मतलब आपके लिए कितने काम आने वाले हैं, आप शायद समझ रहे होंगे, समझदार यार, ऐसा थोड़ी ना है ना। चलिए ठीक है, देखिए टाइप 8, टाइप 8 पर आते हैं, और यूट्यूब से जुड़े हैं, जो भी एसएससी जेल प्री दे रहा है मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहे, दो क्लासेस डाल दिए, तीसरी क्लास डलेगी अब, ठीक है। चलिए हाँ, यहाँ देखिए, हाँ टाइप 8 पर आ गए, टाइप 8 का हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, इजी क्वेश्चन है यार सारे, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, ठीक है, टाइप 8 का, है ना। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? एक कार एक निश्चित दूरी को 4.5 घंटे में तय करती है, यदि उसकी दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लें, आधा घंटे का समय कम लगेगा। एक निश्चित दूरी को 4.5 घंटे में तय करती, क्लियर, यदि आधा घंटा का समय कम लगता है, ठीक है, आधा घंटा का समय कम लगता है, ठीक है, यदि चाल को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दें तो उसी दूरी को तय करने में आधा घंटा कम लगेगा, यानी कि केवल 4 घंटे लगेंगे, क्लियर, उसी दूरी को। चाल x से, तो यहाँ चाल हो गई x प्लस 5 एक प्रकार से ऐसा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके हैं, एक ही डिस्टेंस को दो अलग अलग चाल से तय करेंगे, टाइम अलग अलग आएगा, डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। धीमी कार की गति बताइए, गति, चलो भाई गति बता देते हैं, जैसा ही बोले हमें कोई तकलीफ थोड़े ना, हम तो गति बता देंगे, है ना। एक फॉर्मूला होता है, दूरी दी है क्या? इज देयर गिवन डिस्टेंस? नहीं दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, रेशियो मेथड से हो जाएगा, या फिर डिस्टेंस बराबर स्पीड का डिफरेंस, बताया था मैंने, टाइम का इनटू अपॉन टाइम का डिफरेंस, दिस इज द फॉर्मूला यू कैन यूज हियर, है ना। तो डिस्टेंस आ जाएगा इससे, डिस्टेंस, स्पीड डिफरेंस कितना है? 5 का डिफरेंस है, 5 बढ़ाई ना, टाइम 4.5 इंटू 4 अपॉन 4.5 माइनस 4, आधा घंटा आएगा, 4.5 को 9/2 लिख लें, यहीं पे 9/2, ये 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, 36 × 5 180 किलोमीटर डिस्टेंस आ जाएगा क्या? तो डिस्टेंस आ गया 180। अब क्या निकालना है? वो ओरिजिनल स्पीड, तो 4.5 घंटे में 180 जा रहा है, तो डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, तो डिस्टेंस और डिस्टेंस बाई टाइम से स्पीड आ जाएगी, क्लियर। ऐसे भी कर सकते हो, दो तीन तरीके सारे बता देता हूँ ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना है? 180 किलोमीटर, ठीक है, टाइम कितना है? 4.5 घंटे, यानी कि 9/2 घंटे, क्लियर, ठीक है। 40 आएगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 9 से 20 टाइम, है ना, ठीक है, 40,
40 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ जाएगी। क्लियर, ये एक्स का वैल्यू है ना, तो ये 40 प्लस 5 45 हो जाए, यही निकालना था ना चाल, ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, अब इसी क्वेश्चन को रेशियो से कर सकते हो। जब डिस्टेंस कॉन्स्टेंट हो तो स्पीड और टाइम आपस में क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं ना, इनवर्स ऐसे, ठीक है, होता है ना ऐसा। चलिए, टाइम का रेशियो गिवन है, देखिए स्पीड तो गिवन नहीं है, स्पीड से रेशियो बनेगा नहीं, दोनों का टाइम गिवन है, तो टाइम से रेशियो बना लेंगे हम, है ना। 4.5 घंटा और 4 घंटा, यानी कि 9:8 है ये, 4.5 और 4 क्या है, 4.5 और 4 क्या है, यदि रेशियो में काटोगे तो 9:8 ही तो आएगा ना, (2:2) कर दो दोनों और, तो सिंप्लीफाई करोगे तो 9:8 आ जाएगा, है ना। टाइम का रेशियो तो स्पीड का रेशियो, इसको इन्वर्स करके बन जाएगा। आई बात समझ में, ये सबसे बेस्ट अप्रोच है इस क्वेश्चन के लिए, है ना। तो बताइए, स्पीड का डिफरेंस 1 बराबर, स्पीड का डिफरेंस 5 है, 1 बराबर 5, तो ओरिजिनल स्पीड 8 × 5 = 40, तो ओरिजिनल स्पीड है ना, ओरिजिनल ऊपर वाली स्पीड 40 और इधर वाली स्पीड 45, तो आ जाएगी ना स्पीड 40 और 45, तो ओरिजिनल स्पीड क्या होगी 40। ऐसे करोगे तो इजीली आ जाएगा, है ना। और भी तरीके, और भी फॉर्मूल लग जाएंगे, ठीक है ना। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, बाकी तीनों क्वेश्चन आप इस टाइप के कर लेना, ठीक है। ये क्लास शीट है, क्लास शीट के साथ साथ प्रैक्टिस शीट भी हाथ में रखना, सिर्फ क्लास शीट नहीं, है ना, नहीं तो प्रैक्टिस शीट आप भूल ही जाएं। प्रैक्टिस शीट में कुछ कुछ डिफरेंट क्वेश्चन है जो प्रैक्टिस शीट में दिए हैं, क्लास शीट में नहीं है, ठीक है। वहां से टाइप 9 आपको नहीं करना है, टाइप 9 जो एस्केलेटर वाले क्वेश्चन है ना, जो मैंने करवाए आपको, ठीक है, ये एस्केलेटर वाले क्वेश्चन आप छोड़ दीजिए, मत करिए, ऐसे क्वेश्चन आए नहीं है अभी तक, क्लियर, ठीक है। मेरा पर्पस ये रहा है हमेशा से कि जितने भी क्वेश्चन इस संसार में है वो सारे आपको करवा दो, ताकि आपका पेपर इन क्वेश्चन के बाहर जाने ही नहीं पाए, ये उद्देश्य रहता है। एस्केलेटर वाले क्वेश्चन कर लेना आप, लेकिन मैं समरी में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना, कर लेना, ठीक है, नहीं मना कर रहा हूँ। चलिए टाइप 10 पर आ जाते हैं। टाइप 10 में ट्रेन वाले क्वेश्चन से रेलगाड़ी वाले है ना, ठीक है। टाइप 10 के बाद टाइप 11 में भी ऐसा ही कुछ है, टाइप 10। चलो टाइप 10 पर आते हैं, ठीक है, देख लेते हैं टाइप 10 क्या बोल रहा है ना। आप लोग स्पीड बढ़ा के देख लेना, मैं आराम से सुकून से शांति से पढ़ा रहा हूं, है ना। टाइप 10 क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्रॉसिंग वाले टास्क है। ट्रेन ने पोल को क्रॉस किया, ट्रेन ने इसको क्रॉस किया, ट्रेन ने आपस में क्रॉस किया एक दूसरे को, है ना। दो ट्रेन की स्पीड का रेशियो है 7:9, है ना। ठीक है, अब देखिए यहां पर कहानी क्या है। दे आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन पैरेलल ट्रैक। द फर्स्ट ट्रेन क्रॉस्ड द टेलीग्राफ पोल इन 4 सेकंड्स, व्हेयर द सेकंड ट्रेन क्रॉस्ड द सेम पोल इन 6 सेकंड्स, ठीक है। एक ट्रेन ने खंबे को 4 सेकंड में पार किया, दूसरी ट्रेन ने उसी खंबे को 6 सेकंड में पार किया, ठीक है। हाँ, देखिए एक ट्रेन ने एक पोल को कितने टाइम में पार किया, 4 सेकंड में, ठीक है, 4 सेकंड में पार किया, है ना, लिख लो यहाँ पर 4 सेकंड, ठीक है। और आगे दूसरी ट्रेन है ना, दो ट्रेन ना, पहली ट्रेन ये दूसरी ट्रेन, दोनों की स्पीड का रेशियो दिया है, ठीक है ना। दूसरी ट्रेन ने खंबे को 6 सेकंड में पार किया, क्लियर, दूसरी ट्रेन ने पोल को कितने टाइम में पार किया, 6 सेकंड, है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है। अच्छा, स्पीड का रेशियो 7 और 9 है, तो स्पीड इनकी 7 और 9 ही मान ले, इसकी स्पीड 7 और इसकी स्पीड 9, 7 किलोमीटर पर आवर मान लो, या मीटर पर सेकंड जो मानना है वो मान लो, है ना। तो इसकी स्पीड टाइम सेकंड में है ना, तो इसकी स्पीड हम 7 मीटर पर सेकंड मान लेते हैं, और इसकी स्पीड हम क्या मान लेते हैं, 9 मीटर पर सेकंड। आई बात समझ में, क्लियर। ये 7 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, और ये 9 मीटर पर सेकंड है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, ये 7 और 9, इसको 7x और 9x भी ले सकते हैं, 7x 9 है, रेशियो में ऐसे सेपरेट नहीं करते ना, 7x 9x ले लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए, 1 सेकंड में 7 मीटर, तो 4 सेकंड में 7 = 28 मीटर, तो ट्रेन की लंबाई 28 मीटर आ जाएगी। अच्छा, इस जब ये ट्रेन इस खंबे को पार करेगी, तो इस क्रॉसिंग का डिस्टेंस कौन है, ट्रेन की लेंथ ही तो है ना, तो डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम से डिस्टेंस आएगा ना 28 मीटर, क्लियर, है ना। और जब ये दूसरी ट्रेन इस पोल को पार करेगी, तो भी तो डिस्टेंस ट्रेन की लेंथ ही है ना, तो 9 मीटर पर सेकंड की स्पीड 6 सेकंड, तो 9×6=54 मीटर, तो यहाँ का डिस्टेंस यानी कि इस ट्रेन की लेंथ हमने मान ली 54, है ना। या फिर x मान लो, ये 7x 9x है, तो
तो ये 28x और 54x आ जाएगा, क्लियर? ठीक है, चलिए अब हमसे क्या पूछा है, अब हमसे ये पूछा है एक दूसरे को पार करने में लगा समय बताइए। ठीक है, विपरीत दिशा में चल रही दोनों ट्रेनें, तो एक दूसरे को पार करने में इन्हें कितना टाइम लगेगा हम देखते हैं। ठीक है ना, अब देखिए इसकी स्पीड है 7 मीटर पर सेकंड और इसकी स्पीड है 9 मीटर पर सेकंड, क्लियर? ठीक है, ये 28 मीटर और ये 54 मीटर है ना। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है कहानी। ठीक है, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, क्लियर? ठीक है, ठीक है। अच्छा, दूरी कितनी? 28 प्लस 54 है ना, और चाल 7 प्लस 9। अरे अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड एड अप होती है ना, और डिस्टेंस तो एड ही होता है हर केस में ना। तो 28 प्लस 54 कितना आएगा, ये 82/16 है ना। ठीक है, तो 41/8 सेकंड आएगा ये, है ना। ये मीटर पर सेकंड है, सॉरी ये मीटर है और ये मीटर पर सेकंड है, तो मीटर से मीटर कटेगा, सेकंड में रिजल्ट आएगा ना, टाइम आएगा ना, 41/8 सेकंड में एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, क्लियर? आप चाहे तो एक्स लगाते थे, लगा लेते 7x, ये 9x, तो डिस्टेंस 7x × 4 28x आता, 9x × 6 54x आता, तो आप यहाँ भी x लगाते थे 28x 54x 7x 9x, ये भी x में, तो x देखिए ऊपर नीचे से कॉमन निकल के यूँ भी कट जाएगा ना, इसलिए हम इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ये ट्रेन्स वाले क्वेश्चन है, आप समझे बात को, है ना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 पर आ रहा हूँ। ठीक है, ट्रेन के बारे में आपको एक चीज पता है, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड एडअप होती, रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में स्पीड का डिफरेंस लिया जाता है ना, ट्रेन्स वाले क्वेश्चंस का ध्यान रखना, आ सकते हैं ना। ठीक है, और ट्रेन में मैंने दो जगह से आपको क्वेश्चंस करवाए हैं ट्रेन वाले। ठीक है, एक वो व्यापम वाली शीट भी मैंने आपको दी जिसके मैंने ट्रेन वाले क्वेश्चंस आपको करवाए हैं, समझ आ रही बात? तो वहां से आप लोग क्वेश्चंस कर लेना ट्रेन वाले, मैं सिर्फ ये शीट से समरी बना रहा हूं, है ना। व्यापम वाली शीट दी है, बिल्कुल इजी शीट मैंने आपको प्रोवाइड की है जिससे भी मैंने क्वेश्चंस आपको करवाए हैं, क्लियर? ट्रेन वाले क्वेश्चंस वहां से करवाए मैंने, बहुत अच्छे, छोटे छोटे लेवल के, ये अच्छे लेवल के। ठीक है, वो आप लोग कर लेना, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 पर, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, चलिए देखते हैं ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, एक मालगाड़ी और एक सवारी गाड़ी एक दिशा में चल रही है जिनकी चालों का अनुपात 1:2 है। ठीक है, मालगाड़ी का ड्राइवर यह महसूस करता है कि पीछे से आने वाली सवारी गाड़ी मालगाड़ी को 60 सेकंड में पार करती है। देखो इस सवाल की एक्शन ऐसी है कि सवारी गाड़ी ने मालगाड़ी को क्रॉस किया है ना, और दोनों की चाल का अनुपात 1:2 है, ये सवारी गाड़ी और ये मालगाड़ी, ठीक है, 2:1, यानी कि ये 2 मीटर पर सेकंड और ये 1 मीटर पर सेकंड, 2:1 स्पीड है ना दोनों की, तो सीधी सी बात है सवारी गाड़ी ने मालगाड़ी को क्रॉस किया पीछे से आके, यानी कि सवारी गाड़ी पैसेंजर ट्रेन की स्पीड ज़्यादा होगी, मालगाड़ी कम, तो पैसेंजर ट्रेन को ज़्यादा वाला दिया 2, मालगाड़ी को कम दिया 1, क्लियर? ये एक दूसरे को क्रॉस किया, ये एक ही क्रॉसिंग हुई है इस सवाल में, है ना। ठीक है, मालगाड़ी का इस सवाल को करने का तरीका बिल्कुल ईजी है, ऑलमोस्ट ओरली हो जाएगा ये सवाल। ठीक है, वो तरीका बताता हूँ, पहले बेसिक तरीके समझा देता हूँ। ठीक है, मालगाड़ी का ड्राइवर यह महसूस करता है कि पीछे से आने वाली सवारी गाड़ी मालगाड़ी को 60 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, अब सुनिए, सवारी गाड़ी की लेंथ को पैसेंजर ट्रेन की लेंथ को पी मान लेते हैं और मालगाड़ी गुड्स ट्रेन की लेंथ को जी मान लेते हैं, क्लियर है ना। सवारी गाड़ी यानी कि पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी यानी कि गुड्स ट्रेन, क्लियर है इतनी बात? ठीक है ना, हाँ। अब देखिए यहां पर कहानी क्या है, सुनिए। ठीक है, ये पैसेंजर ट्रेन और ये गुड्स ट्रेन, ठीक है, तो क्रॉसिंग एक ही हुई है, इस क्रॉसिंग की कहानी दो लोग सुना रहे हैं, एक तो मालगाड़ी का ड्राइवर सुना रहा है जो यहाँ बैठा है ना, मालगाड़ी के ड्राइवर ने देखा होगा ना पीछे से रेलगाड़ी हॉर्न बजाती हुई आ रही, उसकी आंखों के सामने साइड से क्रॉस होकर आगे निकल गई, क्लियर है ना। तो मालगाड़ी ने जो देखा वो कहानी अपने अनुसार सुना रहा है, सॉरी मालगाड़ी के ड्राइवर एक कहानी सुना रहा है अपनी, और एक पैसेंजर बैठा है यहाँ खिड़की में, ये देखो खिड़की में नहीं मतलब अंदर बैठा है, वो खिड़की में से देख रहा होगा इधर पे, सॉरी इधर बनाता हूँ है ना, पैसेंजर को, पैसेंजर पी ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है, इधर इधर
ये देखो ये पैसेंजर यहाँ बैठा, जब इसने क्रॉस किया होगा खिड़की में से इस पूरी रेलगाड़ी को देखते हुए निकला होगा ना ये पैसेंजर क्रॉस करते हुए, आई बात समझ में? तो पैसेंजर एक एक कहानी पैसेंजर सुना रहा, उसने देखा पैसेंजर बोल रहा है कि मैंने पार किया, पागल है पैसेंजर, पैसेंजर को थोड़े ना पता, उसने थोड़े उसको कैसा, वो तो खिड़की में से देख रहा है, तो पैसेंजर क्या बोल रहा है, पैसेंजर बोल रहा है कि मैंने रेलगाड़ी को पार किया, उसकी आंखों के सामने से रेलगाड़ी गुजरी ना, तो पैसेंजर कहानी में क्या बोल रहा है, मैंने रेलगाड़ी को पार किया, क्लियर है ना, पैसेंजर बोल रहा है मैंने पार किया, और ड्राइवर क्या बोल रहा है, मेरी रेलगाड़ी को उस रेलगाड़ी ने क्रॉस किया, समझ आ रही बात? तो एक बार अकॉर्डिंग टू ड्राइवर, एक बार अकॉर्डिंग टू पैसेंजर, तो एक बार अकॉर्डिंग टू ड्राइवर की बात मान के ड्राइवर के हिसाब से गेम खेलते, एक बार पैसेंजर के हिसाब से खेलते। अच्छा आप जानते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इन टू टाइम होता है ना, तो अकॉर्डिंग टू ड्राइवर डिस्टेंस कितना आएगा, पी प्लस जी, और अकॉर्डिंग टू पैसेंजर डिस्टेंस कितना आएगा, ओनली जी, दो इक्वेशन बनेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू एक ड्राइवर के अकॉर्डिंग क्रॉसिंग, एक पैसेंजर के अकॉर्डिंग क्रॉसिंग, इधर का टाइम 60 सेकंड दिया है, इधर का टाइम 40 सेकंड दिया है ना, इधर की क्रॉसिंग 60 सेकंड, इधर की क्रॉसिंग 40 सेकंड में, टाइम अलग अलग कैसे हो सकता है, एक ही क्रॉसिंग का सवाल ये उठता है मन में कि एक ही क्रॉसिंग का टाइम अलग अलग कैसे हो सकता है, अरे यार जो भी क्रॉसिंग हुई एक ही क्रॉसिंग हुई ना, इस रेलगाड़ी को इसने पार किया, टाइम अलग अलग कैसे, क्योंकि दो अलग अलग आदमी अलग अलग प्रकार से बता रहे हैं ना। ड्राइवर किस चीज की बात कर रहा है, कितना डिस्टेंस कवर हुआ, पी प्लस जी, ड्राइवर क्या बोल रहा है, मेरी पूरी रेलगाड़ी को उस पूरी रेलगाड़ी ने पार किया, क्लियर, जब पूरी रेलगाड़ी को पूरी रेलगाड़ी पार करेगी तो ज़्यादा काम हुआ ना, पी प्लस जी, और ये पैसेंजर क्या बोल रहा है, मैंने उसको पार किया, मैंने मतलब रेलगाड़ी का कोई अस्तित्व नहीं है, वो क्या बोल रहा है, मैं भाग रहा हूँ और मैंने पार किया, जब ये एक आदमी इसको पार करेगा तो इसका आदमी का डिस्टेंस तो जीरो है, इसका डिस्टेंस जी है, तो दोनों का डिस्टेंस मिला के जी ही आएगा ना, आ गई बात समझ में प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, क्लियर है ना, इसने इसको पार किया ना, तो सीधी सी बात है मैंने पार किया, ऐसा बोला वो, मैंने पार किया, तभी तो टाइम कम लगा, यदि उसकी रेलगाड़ी ने उसकी रेलगाड़ी को पार किया होता तो वही बात हो गई ना, टाइम वही सेम कॉपी हो जाता, फिर तो इक्वेशन कहानी अलग है, तभी तो दो अलग अलग पिक्चर बनेगी ना, मैंने पार किया तो इसकी आंखों के सामने से कितना लेंथ क्रॉस हुआ, जी, तो इसमें जो काम हुआ वो केवल डिस्टेंस कवर हुआ, जी, क्लियर। अच्छा स्पीड तो सेम है, एक ही क्रॉसिंग है तो स्पीड तो सेम है, अच्छा सेम डायरेक्शन में स्पीड कैसे निकालोगे, 2-1 निकालोगे ना, 2-1 यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड आएगा कि नहीं आएगा, स्पीड आएगा ना, 2-1 यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड है ना, तो ये कितना आ रहा है रिजल्ट, 60, ये कितना आ रहा है 40, सेकेंड्स में टाइम आ गया ना, ये सॉरी डिस्टेंस आ गया ना, डिस्टेंस मीटर में डिस्टेंस आ गया है ना, एक प्रकार से मीटर में डिस्टेंस आ गया है, ठीक है, तो पी प्लस जी का वैल्यू कितना है, 60, और जी का वैल्यू कितना है, 40, क्लियर, ठीक है, तो अब पी प्लस जी कितना है, 60, पी प्लस जी कितना है, 60, और उसमें जी कितना है, 40 है ना, जी ने 40 ले लिया 60 में से, तो पी के पास कितना बचा, 20, बोलिए आई क्या बात समझ में, जी ने 40 ले लिया तो पी के पास कितना बचा, 20, बोलिए समझ में आती है क्या बात, क्लियर, तो हमें बस इनका रेशियो ही तो निकालना है, क्या निकालना है, उनकी लंबाई का अनुपात निकालना है, ठीक है, उनकी मतलब किन की लंबाई का अनुपात निकालना है, दोनों रेलगाड़ियों की लंबाइयों का अनुपात निकालना है, मतलब मालगाड़ी सवारी गाड़ी, तो देखिए सवाल में जो ऑर्डर है, सवाल की भाषा में मालगाड़ी और सवारी गाड़ी, मालगाड़ी को पहले सवारी गाड़ी को बाद में, यानी कि मालगाड़ी गुड्स ट्रेन पहले पैसेंजर बाद में, तो गुड्स ट्रेन की लंबाई 40 निकली, पैसेंजर ट्रेन 20 निकली, यानी कि 2:1 आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर इतनी बात। अब इस क्वेश्चन को शॉर्ट में कैसे करेंगे देखिए मैं आपको बताता हूँ। अच्छा दो कहानियाँ हैं, अकॉर्डिंग टू ड्राइवर, अकॉर्डिंग टू पैसेंजर, इन दोनों कहानियों में दूरी चाल समय तीनों है, इसकी कहानी में भी दूरी चाल समय तीनों मेंबर है, इसकी कहानी में भी दूरी चाल समय तीनों मेंबर है, दूरी चाल समय इन तीनों में से कौन सा वेरिएबल दोनों में सेम है, चाल सेम है क्या दोनों में, बताइए। अच्छा समय अलग अलग है, दूरी अलग है, लेकिन चाल सेम है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, जब स्पीड कॉन्स्टेंट हो तो डिस्टेंस की डिपेंडेंसी टाइम पर, टाइम की डिपेंडेंसी डिस्टेंस पर, जैसी दूरी वैसा ही समय, जैसा समय वैसी दूरी। तो अब आप देखिए समय की बात करें तो एक कहानी अकॉर्डिंग टू ड्राइवर और एक कहानी अकॉर्डिंग टू पैसेंजर, आई बात समझ में क्लियर, एक कहानी अकॉर्डिंग टू ड्राइवर और एक कहानी अकॉर्डिंग टू पैसेंजर, क्लियर ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ड्राइवर टाइम कितना लगा, 60 सेकंड क्रॉसिंग में है ना, ये अकॉर्डिंग टू ड्राइवर जो क्रॉसिंग हुई क्रॉसिंग का टाइम, और अकॉर्डिंग टू पैसेंजर जो क्रॉसिंग हुई क्रॉसिंग का टाइम 40 सेकंड, ठीक है। यदि टाइम का रेशियो 3:2 है तो डिस्टेंस का रेशियो भी 3:2 आएगा कि नहीं आएगा, बताइए, सेम है ना दोनों, स्पीड कांस्टेंट है, क्लियर। अब इधर जो डिस्टेंस है वो क्या है, पी प्लस जी,
अरे इधर का जो डिस्टेंस है अकॉर्डिंग टू ड्राइवर डिस्टेंस क्या है पी प्लस जी, और अकॉर्डिंग टू पैसेंजर डिस्टेंस क्या है जी, तो इधर का डिस्टेंस पी प्लस जी है ना। तो पहली क्रॉसिंग का ड्राइवर के अनुसार क्रॉसिंग का डिस्टेंस जो आया 3 आया, पी प्लस जी बराबर 3, और अकॉर्डिंग टू पैसेंजर डिस्टेंस जो है वो जी है, तो जी का वैल्यू कितना आया 2 यूनिट, क्लियर है ना, जी बराबर 2 है। अब पी प्लस जी बराबर 3 है, तो 3 में से पी और जी को अलग करें, अच्छा जी 2 रुपये ले जाएगा क्या, जी का 2 रुपया ना, 3 में से जी को 2 दे तो 1 बचा, तो जी से पी का रेशियो बताइए 2:1 आया कि नहीं आया। ये क्वेश्चन इतना इजीली भी हम कर सकते थे, आई बात समझ में, कितना आया 2:1, ठीक है ना। चलिए अब एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 में करवा देता हूँ आपको, है ना, इसी का क्वेश्चन नंबर 7, चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में जा रही रेलगाड़ियां प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 27 सेकंड और 17 सेकंड में पार करती है। एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है दो ट्रेन, प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को ये क्रमशः कितना कितना टाइम में पार करती है, 27 सेकंड और 17 सेकंड, है ना। सेकंड्स और 17 सेकंड्स, क्लियर, इतनी बात है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, ठीक है ना, 27 सेकंड और 17 सेकंड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, ठीक है, एक दूसरे को 23 सेकंड में पार करते तथा एक दूसरे को 23 सेकंड में पार करता है ना, ठीक है। ये दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करने में कितना टाइम लेगी, 23 सेकंड, है ना, अलग अलग आदमी को 27-17 में पार करती, एक दूसरे को पार करने में कितना टाइम लगेगा, यानी 23 सेकेंड, क्लियर, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका है क्या निकालना है, स्पीड का रेशियो निकालना है। इस क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका एलिगेशन है, 27 ये 17, इधर टाइम कितना लग रहा है, दोनों का मिला के, ये एक एक आदमी को पार करती 27 और 17 में, तो दोनों मिलाकर, ठीक है, दोनों मिलाकर एक दूसरे को पार करने में कितना टाइम लगेगी, 23 सेकेंड, क्लियर। तो 17 और 23 का डिफरेंस क्या है, 6, और 23 और 27 का डिफरेंस क्या है, 4, बताइए 3:2 आएगा स्पीड का रेशियो, क्लियर है इतनी बात। इसका बेसिक तरीका भी, बेसिक तरीके से स्पीड एक्स मान लो, स्पीड मान लो ए बी, और इनकी लेंथ मान लो एक्स और वाई, इससे भी हो जाएगा ना, इससे भी कर लेना अब आप, ठीक है, ये नहीं बता रहा हूँ मैं, है ना। चलिए टाइप 11 पर आ जाते हैं, ठीक है, देख लेते हैं टाइप 11 में क्या कहानी है ना। टाइप 11 आप स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं, है ना, मैं आराम से शांति से बता रहा हूं, है। जब भी किसी टाइप को पढ़ा रहा हूं तो उस टाइप का क्लास शीट प्रैक्टिस शीट दोनों शीट हाथ में रखो, है ना। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 की यदि हम बात करें, ठीक है ना, एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में जा रही रेलगाड़ियां प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः, सॉरी टाइप 11 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 7 नहीं यार, क्वेश्चन नंबर 1 है ना, अब सुनिए मेरी बात, ठीक है। दो स्थान 60 किलोमीटर दूरी पर हैं, दो व्यक्ति ए और बी एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलना आरंभ करते हैं और 6 घंटे बाद मिलते हैं, ठीक है। यदि ए अपनी मूल गलती का 2/3 भाग से बी अपनी मूल उसी दूरी को, ठीक है, अच्छा ए और बी एक दूसरे की ओर चलते हैं, ठीक है, यदि ए अपनी मूल गति का 2/3 भाग से तथा बी अपनी मूल गति के दुगनी से यात्रा करे तो 5 घंटे का समय लगता है, ठीक है, तो ए की मूल गति क्या है, ठीक है। देखिए एक डिस्टेंस है, इधर से ए चलेगा और इधर से कौन चलेगा, बी, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, स्पीड इंटू टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस, ठीक है ना, ये एक दूसरे की ओर चले, ठीक है, एक दूसरे की ओर चले, है ना, ठीक है। ए अपनी मूल गति के 2/3 भाग से तथा बी अपनी मूल गति की दुगनी गति से यात्रा करे तो वे 5 घंटे बाद मिलेंगे, कितने टाइम बाद मिलेंगे, वो 5 घंटे बाद मिलेंगे, है ना, ठीक है,
5 घंटे बाद मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए मेरी बात, है ना। 5 घंटे बाद मिलेंगे, तो स्पीड ए प्लस बी और 5 घंटे मिलेंगे, स्पीड इन टू टाइम से क्या आ गया ये डिस्टेंस। ये टाइम एंड वर्क जैसा क्वेश्चन हो गया, इसको बेसिक तरीके से बता दूंगा, ठीक है। स्पीड इन टू टाइम है ना, ये ए मतलब ए की स्पीड मान रहा हूँ, बी मतलब बी की स्पीड मान रहा हूँ, अपोजिट डायरेक्शन स्पीड जुड़ती है, दोनों ने मिलाकर ए प्लस बी की चाल से 5 घंटे में इतना डिस्टेंस कवर किया कि नहीं किया, क्लियर है ना। तो ये डिस्टेंस आ गया है, ठीक है। अब यदि ए अपनी स्पीड को 2/3 कर ले, 2/3 कर ले, और बी अपनी स्पीड को डबल कर ले, है ना, 2b, तो कितना टाइम लगेगा, 5 घंटे, तो भी 5 घंटे, सॉरी यहाँ 6 घंटे है ना, तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 5 घंटे, है ना, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, ठीक है। ए की मूल गति बताइए, ए की स्पीड निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से यदि हम इसको सॉल्व करें, ठीक है ना, तो यहाँ से कुछ आएगा नहीं क्या, ए से बी की स्पीड का रेशियो आ जाएगा, उसके बाद क्या, एक मिनट रुकिए ना, 60 किलोमीटर दूरी पर, अच्छा है, दूरी 60 किलोमीटर दी है ना, दो स्थान 60 किलोमीटर की दूरी पर है, अच्छा है, दूरी हमें 60 किलोमीटर दी है ना, डिस्टेंस 60 किलोमीटर दिया है, ओके, ठीक है, कुछ नहीं यार इस क्वेश्चन में यार, ठीक है, 60 किलोमीटर है ना। तो एक बार इसको इसके बराबर रखो, एक बार इसको इसके बराबर रखो, हो गया काम, और क्या, यहाँ से ए प्लस बी का वैल्यू 10 आ जाएगा, 6 से 10 बार कटेगा, तो ए प्लस बी बराबर 10 है ना, ठीक है ना, ए प्लस बी बराबर क्या जाएगा, 10, क्लियर, ठीक है। और इसको इसके बराबर रखेंगे तो 2/3 a + 2b बराबर क्या जाएगा, 12, कर लो इसको सॉल्व, यहाँ इंटू 2 कर लो, और क्या, माइनस करोगे 2b कट जाएगा, है ना, 2a में से 2/3 माइनस करोगे, ठीक है, तो 4/3 आएगा ये, कितना आएगा ये, 4/3 है, क्लियर। 20 में से 12 गया तो कितना आएगा, 8, 4 × 2 = 8, ए बराबर 6 km/h आ जाएगी ना, ए की स्पीड है ना, तो ए की स्पीड क्या आ जाएगी, 6 km/h, आई क्या बात समझ में, क्लियर है। ये टाइम एंड वर्क वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया मैंने, एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर वर्क, एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर वर्क कितना हुआ, 60 है ना, ठीक है। या फिर नॉर्मली भी करते तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ए प्लस बी बराबर स्पीड, डिस्टेंस 60 और टाइम 6, 2/3 a + 2b बराबर 60 किलोमीटर है ना, 5 घंटे में, ठीक है। तो ये a प्लस बी का वैल्यू 10 आ जाएगा और यहाँ से ये 12 आ जाएगा, है ना, इसका वैल्यू 12, ठीक है, कर लेना सॉल्व, है ना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, अगला सवाल मैं ले रहा हूँ, रुकिए एक मिनट, है ना, क्वेश्चन नंबर सेवन ले रहा हूँ मैं आप सीधे, क्वेश्चन नंबर 7 में 2-3 वेराइटी सब कवर हो जाएगा, है ना। चलिए देखिए कौन सा टाइप है, टाइप 11 है ना, यस दिस इज टाइप 11, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, एक रेल प्रातः 8 बजे 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दिल्ली से चलकर जयपुर की तरफ जाती है, ठीक है, एक दूसरी रेलगाड़ी उसी समय जयपुर से दिल्ली की तरफ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, उसी समय, ठीक है, बीच की दूरी 270 किलोमीटर है, इजी है यार, कुछ नहीं इस सवाल में, दूरी 270 किलोमीटर है, ठीक है ना, 8 बजे दिल्ली से जयपुर, ये दिल्ली है और ये आपका जयपुर है, क्लियर, सुबह 8 बजे 50 की चाल से, ठीक है, जयपुर से दिल्ली की ओर 40 की चाल से, ठीक है, दिल्ली और जयपुर के बीच 270 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है, तो किस समय दोनों रेल आपस में मिलेंगी, ठीक है, तो किस समय मिलेंगी, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, अच्छा दूरी कितनी, 270, और चाल 50 + 40 = 90 है ना, 3 घंटे लगेंगे, है ना, 3 घंटे में मिलेगी, पहला सवाल यही था ना,
पहला पॉइंट यही तो पूछा है ना। दूसरा पॉइंट क्या पूछा है, दिल्ली से कितने दूरी पर मिलेंगे। अच्छा 3 घंटे में मिलेंगे दोनों, 3 घंटे में मिलेंगे यानी कि 11 बजे मिलेंगे क्या, तो दिल्ली से कितने दूरी पर, तो 3 घंटे ना 8 से 11, 3 घंटे में 50 की चाल से 150 किलोमीटर चला होगा, तो दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगे बताइए, 150 किलोमीटर पर मिलेंगे क्या, है ना। इसके बाद तीसरा, मिलने के कितने समय बाद पहली रेल जयपुर पहुंचेगी, है ना। मिलने के कितने समय बाद पहली रेल जयपुर पहुंचेगी, तो मिलने के कितने समय बाद पहली रेल जयपुर पहुंचेगी, तो सुनिए 11 बजे यहाँ आ गई है ना, 11 बजे ट्रेन यहाँ आ गई। अच्छा 270 में से 150 गया तो 120 किलोमीटर बचा क्या, 11 बजे यहाँ है। मिलने के कितने समय बाद ये वाली रेलगाड़ी जयपुर पहुंचेगी, तो बताइए रेलगाड़ी को 11 बजे 120 किलोमीटर और जाना है, 50 की चाल से 120 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, समझ रहे हैं आप। मिलने के कितने समय बाद इधर वाली रेलगाड़ी जयपुर पहुंचेगी, तो ये यहाँ तक पहुंची, अभी यहाँ से यहाँ और जाएगी, मिलने के लिए थोड़ी ना चली थी रेलगाड़ी, वो तो बीच में क्रॉसिंग पॉइंट को हम मिलना बोल देते हैं, क्लियर। यहाँ से 120 किलोमीटर है ना, किस चाल से 50 किलोमीटर, किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल, 0 0 कैंसिल, ठीक है। बताइए 2.4 घंटे आएंगे क्या, तो 2.4 आवर्स है ना, क्या आएगा ये तीसरा वाला पॉइंट, कितने समय बाद पहली रेल जयपुर पहुंचेगी, ठीक है, कितने समय बाद, तो 2.4 आवर्स यानी कि 2.4 आवर्स को हम क्या बोल देंगे, या फिर 12/5 को क्या बोलेंगे, 2 2/5, तो 2 घंटे पूरे, घंटे का 2/5 कितना होता है, 24 मिनट, यानी कि 2 घंटा 24 मिनट है ना। तो मिलने के कितने समय बाद, तो तीसरे पॉइंट का आंसर क्या आएगा, 2 घंटा 24। इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, एक वो जब दोनों रेलगाड़ियां एक ही समय पे चली, जब दोनों रेलगाड़ियां अलग अलग टाइम पे चलती है तो हमें टाइम को इक्वेट करना पड़ता है, याद है ना आप लोगों को, ठीक है, बताया था मैंने, है ना, 2 घंटा 24 मिनट, क्लियर। फोर्थ पॉइंट, पहले 2 घंटे में पहली रेल दूसरी रेल से कितनी अधिक दूरी तय करेगी, ठीक है, पहले 2 घंटे में पहली रेल दूसरी रेल से कितनी अधिक दूरी तय करेगी, तो ये 2 घंटे में 50 की चाल से 100 जाएगी, और ये पहले 2 घंटे में 40 की चाल से 80 जाएगी, तो 20 किलोमीटर का डिफरेंस आएगा दोनों के द्वारा तय की गई दूरी में। अरे पहले 2 घंटे में दोनों के द्वारा तय की गई दूरी में 20 किलोमीटर का डिफरेंस, बेसिक सा सवाल, बस आप ये समझो जो दोनों रेलगाड़ियां एक ही समय पर चल के जब मिले तो किस प्रकार सॉल्व करते हैं ना। अब एक सवाल वो है जब अलग अलग टाइम पे चलती है और मिलती है ना, तो वैसा एक सवाल भी मैं लेने की कोशिश करता हूँ, रुकिए एक मिनट, है ना, एक मिनट रुको ना, ठीक है। इसके बाद ये 12वां लास्ट टाइप है ना, एक मिनट रुकिए, अभी क्वेश्चंस बाकी है, बहुत सारे बाकी है ना, रुकिए देखिए मैं आपको बताता हूँ, है ना, ठीक है, सुनिए क्या है कहानी। इसके बाद एक और टास्क है, जब ट्रेन अलग अलग टाइम पर चलती है ना, तो अलग अलग टाइम पर जब 2 ट्रेन चलेगी तो वैसा एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ, एक मिनट, है ना, इसे बी की ओर, हाँ क्वेश्चन नंबर 4, अलग अलग टाइम पे चलने वाला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं, ठीक है, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4, ए और बी के बीच में 450 किलोमीटर की दूरी है, ए और बी के बीच में दूरी कितनी है, 450 किलोमीटर, क्लियर। ए और बी के बीच में दूरी कितनी है, 450 किलोमीटर, है ना। अब देखिए यहां से क्या है कहानी, सुनिए, ठीक है, एक ट्रेन ए से बी की ओर 60 की चाल से 4 बजे रवाना होती है, 4 बजे 60 की चाल से ए से बी की ओर चलती है, और दूसरी ट्रेन बी से ए की ओर 80 की चाल से 3:20 पर चलती है, 3:20 पर बी से ए की ओर 80 की चाल से चलती है, आई बात समझ में, क्लियर, ठीक है ना। अब कहानी ऐसी है कि किस समय दोनों ट्रेनें मिलेंगी, अब देखो अलग अलग टाइम पे चली ना दोनों, इसमें टाइम को बराबर करना होता है, या तो दोनों को 3:20 कर लो या फिर दोनों को 4 बजे का सेट कर लो, क्लियर। तो यदि दोनों को 4 बजे का सेट करते हैं, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने कई बार इसको एग्जाम्पल देकर आप लोगों को बताया समझाया है ना, इसको 4 बजे का टाइम यदि इसका हम सेट करते हैं तो बताइए इसको 40 मिनट चलाना पड़ेगा अंदर। अच्छा 40 मिनट इसको अंदर चलाओगे, ठीक है ना, मतलब हम
4 बजे का टाइम सेट कर रहे हैं दोनों का, इसका तो 4 बजे का, इसका भी 4 बजे का सेट, दोनों का 4 बजे का हो जाएगा, फिर हमें सॉल्व करना आता है ना। तो 3:20 से 4 बजाने के लिए 40 मिनट चलाना पड़ेगा, 80 की चाल से 40 मिनट में जो डिस्टेंस आएगा वो फ्रिक्शन में आएगा, किस में आएगा, फ्रिक्शन में। इसलिए दोनों का 4 बजे का टाइम सेट करेंगे तो कैलकुलेशन टफ होगा, 40 मिनट में 80 की चाल से चलाओगे फ्रिक्शन में डिस्टेंस आएगा। आई बात समझ में, क्लियर? इसलिए दोनों का 4 बजे का सेट करना हम अवॉइड करेंगे, ठीक है। अब हम कोशिश करेंगे कि दोनों का टाइम हम 3:20 का सेट कर ले, क्लियर? तो अब 3:20 का दोनों का टाइम हम सेट करेंगे, आई बात समझ में, है ना। 3:20 से कैलकुलेशन शायद इजी हो जाए, तो ध्यान रखना है दोनों का कोई भी टाइम सेट करो आंसर सब सेम आएगा, फ्रिक्शन में आता उससे भी आंसर आ जाता, क्लियर? लेकिन वो कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा ना, तो हमें जज करना आना चाहिए, ठीक है। इसको 3:20 कर लें, मतलब 40 मिनट पीछे ले लें क्या इसको हम, है ना, 3:20 कर लेते, 40 मिनट पीछे ले लेते हैं इसको, है ना। तो इसका भी टाइम 3:20 का हो जाएगा, यहाँ से निकालेंगे इसको फिर, और हमारा टास्क 3:20 से फिर इनिशिएट होगा, ये पिक्चर होगा हमारा फिर, है ना, ये नहीं ये होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, 40 मिनट, 60 की चाल है ना इसकी, 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर यानी कि 1 घंटे में 60 किलोमीटर, यानी कि 60 मिनट में 60 किलोमीटर, आई बात समझ में, क्लियर है। तो 40 मिनट में बताइए ये 40 किलोमीटर पीछे आ जाएगी क्या, अरे 60 मिनट में कितनी अच्छी चाल है देखो ना, मिनटों में कितनी इजीली शिफ्ट होगी, उसको मिनट में शिफ्ट करो 80 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब वो 60 मिनट में 80 है, तो प्रति मिनट का हिसाब किताब टफ हो जाएगा ना उस चाल से, इससे पर मिनट का हिसाब किताब बड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो 40 मिनट में 40 किलोमीटर, तो ये 40 किलोमीटर का मार्जिन बन गया और क्या। तो बताइए 450 + 40, अब टोटल डिस्टेंस 490 हो गया क्या, तो अब जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है वो 490 है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है 490, है ना, 450 + 40, टोटल 490 है ना, देखिए आप 490 का डिस्टेंस है और स्पीड कितनी है 60 + 80 = 140, है ना। तो 490 किलोमीटर / 140, 00 कैंसल, 77 = 49, है ना, और 72 = 14, बताइए 3.5 घंटे आएगा क्या, आएगा टाइम 3.5 घंटे, क्लियर है इतनी बात, है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3.5 घंटे, तो 3:20 में 3.5 जोड़ दीजिए, PM 6:50, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो किस समय मिलेंगे दोनों, 6:50 पर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्लियर है इतनी बात, है ना, ठीक है। तो दोनों रेलगाड़ियाँ 6:50 पर मिलेंगी, आया ये सवाल समझ में, अलग अलग टाइम पे चलेगी तो कैसे करना है, ठीक है। अब इसमें एक और सवाल होता है ना, देखिए ये रेलगाड़ी वाले टास्क में एक और सवाल होता है, और एक सवाल ध्यान रखना रेलगाड़ी में क्रॉसिंग वाले होते हैं, क्रॉसिंग, है ना, एक रेलगाड़ी ने खंबे को क्रॉस किया, एक रेलगाड़ी ने पुल को क्रॉस किया, है ना, ठीक है, एक रेलगाड़ी ने दो रेलगाड़ियों ने दो आदमियों को क्रॉस किया, है ना, ये सारे सवाल व्यापम वाली जो शीट है दूसरी एक और जो मैंने दी है आप एप्लीकेशन पर देखिएगा, उस शीट को एग्जांपल लेके वो सारे सवाल मैंने वहाँ से आपको कवर करवाए हैं, तो वो आप लोग करिएगा कवर, यहाँ पे भी करवा रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस, लेकिन वहाँ से भी आप कवर करिएगा, ठीक है। मतलब ये समरी देखते देखते आप उस शीट को भी हैंडल करना है आपको, जो टाइप वहाँ से करने को बोला केवल वही टाइप कवर करना है, सिर्फ टाइप 5 कवर करना है वहाँ से आपको, व्यापम वाली शीट से केवल आपको कौन सा टाइप करना है, टाइप 5 में मिलेंगे ऐसे सवाल आपको, है ना, टाइप 5 ही है, क्लियर, ठीक है। तो इन सवालों के टाइप 11 की समरी के बेसिस पर आपको व्यापम वाला टाइप 5 भी करना है ना, ठीक है, क्लियर। चलिए अब देखिए इसके बाद एक और स्टेप आगे बढ़े तो एक और प्रकार का सवाल आता है इसमें, है ना, ये वो क्वेश्चन है जहां दो रेलगाड़ियां चलकर मिली, है ना, तो एक तो एक ही टाइम पे चली और एक अलग अलग टाइम पे चली, है ना। अब एक और इसमें वो आता है कि मिलने के बाद अपने डेस्टिनेशन, दोनों गाड़ियां एक ही टाइम पर चली और मिली, और मिलने के बाद फिर अपने डेस्टिनेशन, है ना, गंतव्य स्थान पर पहुंचे, आई बात समझ में, क्लियर, ठीक है ना। तो मिलने के बाद इसको समय लगा अपने गंतव्य पर जाने में T1, इसको समय लगा अपने गंतव्य पर जाने में T2। ये सवाल भी मैंने व्यापम वाली शीट को रेफरेंस लेकर करवाए बहुत अच्छे से, ठीक है। अब मिलने तक का समय हमेशा कांस्टेंट होता है, इसको TT माना, लेकिन मिलने के बाद डेस्टिनेशन तक का समय T1। इसमें दो फॉर्मूले हमने यूज़ किए हैं, मीटिंग टाइम, ये मीटिंग टाइम, मिलने तक के समय को हमेशा क्या बोला है हमने, T1 T2, क्लियर, स्मॉल T का वैल्यू √T1 T2 फॉर्मूला प्रूव करके मैंने बताया था। एक और फॉर्मूला स्पीड,
ऊपर वाली ट्रेन की स्पीड को हम S1 मान रहे हैं, नीचे वाली ट्रेन की स्पीड को हम S2 मान रहे हैं, क्लियर। तो S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू अंडर रूट T2 अपॉन T1। S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू अंडर रूट T2 अपॉन T1। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अब देखिए यहां से, है ना, T बराबर अंडर रूट T1 T2 और S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू अंडर रूट T2 अपॉन T1। क्लियर है इतनी बात? ये दो फॉर्मूले बताए थे मैंने, ठीक है। अब मान लो आपको S1 दिया है, किसी एक की स्पीड दी जाती है नॉर्मली, मान लो इसकी स्पीड दी है आपको जैसे T1 दिया है ना, मिलने के बाद दोनों ने इतने, किस सवाल आता है, दो रेलगाड़ियां स्टेशन ए तथा बी से चली, है ना, चली और मिलने के बाद वे क्रमशः, मिलने के बाद वे क्रमशः 9 घंटे और 16 घंटे में अपने गंतव्य पर पहुंचती है, 9 घंटे और 16 घंटे में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है ना। तो T1 T2 का वैल्यू पुट अप कर दे, 9 और 16, है ना, तो बताइए 12 घंटे आ जाएगा क्या ये? तो मीटिंग टाइम, मिलने तक का समय कितना है, 12 घंटे, पूछा जाएगा सवाल में, तो मिलने तक का समय 12 बोल देना। अच्छा, T2 T1 का वैल्यू लगा दें यहाँ पर, T2 कितना है 16 और T1 कितना है 9, तो बताइए S1 बाई S2 का वैल्यू 4/3 आएगा क्या? S1 बाई S2 का वैल्यू कितना आएगा, 4/3, और S1 मान लो आपको दिया है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, तो S1 का वैल्यू 80 पुट अप कर दें यहाँ पर, S1 80 रख देंगे अपॉन में S2, तो बराबर 4/3, 4 से कितनी बार जाएगा, 20 बार, तो S2 बराबर कितना आएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है ना, S2 कितना आएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आई बात समझ में? क्लियर इतनी बात है ना, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें। अब इसी फॉर्मूले पर बेस्ड एक क्वेश्चन जो है वो मैं आपको करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 9, इसी फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 9 है जो मैं आपको करवा देता हूँ, देखिए, है ना, क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है ना, अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है। दो खरगोश एक दूसरे की ओर दौड़ रहे हैं, एक ए से बी की ओर तथा दूसरा बी से ए की ओर, वह दोनों एक दूसरे को एक घंटे पश्चात पार करते हैं। देखो, ए से बी दो खरगोश दौड़ रहे हैं, है ना, एक इधर से इधर, एक इधर से इधर, दोनों एक घंटे बाद एक दूसरे को पार करते हैं, यानी कि एक घंटा ये भी चला, एक घंटा ये भी चला, यानी कि स्मॉल टी का वैल्यू गिवन है क्या, है ना, ठीक है, एक घंटे में एक दूसरे को पार करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ है ना, पहला खरगोश बी पर दूसरे के ए पर पहुंचने के 5/6 घंटे पहले पहुंच जाता है। पहला खरगोश बी पर दूसरे के ए पर पहुंचने से 5/6 घंटे पहले पहुंच जाता है। यदि इसको यहां से यहां तक जाने में मान लो टाइम लग रहा है, इसको यहां से यहां तक जाने में टाइम लग रहा है टी, तो इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लग रहा है 5/6, एक मिनट रुको, सही लिखा है मैंने, गलत लिखा, फिर से पढ़ते हैं, है ना। पहला खरगोश बी पर दूसरे के ए पर पहुँचने से 5/6 घंटा पहले, इसकी तुलना में ये 5/6 पहले, यानी कि ये पहुँचने में, इसकी तुलना में ये 5/6 घंटा कम लेता है, क्लियर। अब आप जानते हैं T1 है और ये क्या है T2, क्लियर। अब हमें निकालना क्या है इसमें, दोनों के बीच की दूरी, ये दूरी टोटल 50 किलोमीटर दी है हमें, ये दूरी कितनी दी है हमें, 50 किलोमीटर, ठीक है ना, क्लियर, ठीक है। तो धीमे भागने वाले खरगोश की गति क्या है ना, ठीक है, धीमे भागने वाले खरगोश की गति क्या है, क्लियर, ठीक है ना, धीमे भागने वाले खरगोश की गति क्या है, ठीक है। तो धीमे भागने वाला खरगोश जो भी हो हमें उससे मतलब नहीं है, ठीक है, हमें सिर्फ ये टी का वैल्यू निकालना है, जैसे ही टी का वैल्यू निकालेंगे आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, हमारा फॉर्मूला होता है टी बराबर अंडर रूट T1 T2, तो टी बराबर एक घंटा है ना, बराबर अंडर रूट T1 T2, है ना, अंडर रूट T1, तो T1 का वैल्यू क्या है, T-5/6, और T2 का वैल्यू क्या है, टी, क्लियर। ये इधर जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, 1 इज इक्वल टू टी का इनटू कर लें, इधर टी का इसमें और इसमें दोनों में इनटू कर लेना, तो 1 इज इक्वल टू T² -5/60,
टी स्क्वायर माइनस 5/60, क्लियर इतनी बात, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये वन उधर जाएगा, माइनस 5/60 माइनस वन बराबर क्या आएगा, जीरो, क्लियर, ठीक है। अब देखिए ये सिक्स इधर भी इंटू करता है, इधर भी इंटू करता है ना, सिक्स टी स्क्वायर माइनस 5t माइनस 6 60 स्क्वायर माइनस 5t माइनस 6 बराबर जीरो, ठीक है। अब देखिए चलिए इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेते, आंसर आ जाएगा ना 36 ना, तो प्लस 9 और माइनस 4 है ना, और इसके नीचे 6 जाता है, पता है ना आप लोगों को, ठीक है। तो बताइए नेगेटिव तो आएगा नहीं वैल्यू टी का, पॉजिटिव आएगा, टी का वैल्यू 3/2 आया क्या, तो टी का वैल्यू कितना आया 3/2, क्लियर। तो टी का वैल्यू 3/2 लगा दे यहाँ पर, या फिर टी का वैल्यू किसकी, धीमे चलने वाले खरगोश की गति निकालनी है ना। अच्छा धीमे कौन खरगोश है, नीचे वाला खरगोश धीमे है ना, वे खरगोश तो तेज है, ये खरगोश धीमा है कि नहीं है, आती बात समझ में, कैसे धीमा है, टी बराबर क्या आया 3/2 है ना, तो 3/2 यानी कि डेढ़ घंटा, एक घंटा या डेढ़ घंटा या टोटल 2.5 घंटा लिया इसने। अच्छा ये डेढ़ घंटा है, ये डेढ़ से कम आएगा ना, डेढ़ में से माइनस होकर डेढ़ से कम आएगा ना, तो ऊपर वाले खरगोश ने तो एक घंटा प्लस कम टाइम लिया ना, नीचे वाले खरगोश ने पूरा डेढ़ घंटा लिया, डेढ़ से कम लिया इसने, तो उसकी ज़्यादा स्पीड है, इसकी धीमा खरगोश ये है ना, इसे 2.5 घंटा लिया इसने 50 किलोमीटर चलने में, एक घंटा डेढ़ घंटा 2.5 घंटा लिया, तो स्पीड 50 किलोमीटर 2.5 घंटे में है ना, ठीक है, तो स्पीड आएगी इसकी, ठीक है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, कितनी स्पीड आएगी इसकी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, तो स्पीड आएगी इसकी 20 किलोमीटर पर आवर, क्लियर है इतनी बात, ठीक है ना। कुछ नहीं है, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, तो उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, बहुत रेयर और बहुत शानदार सवाल है, ठीक है। अब मिलने वाले टास्क, मिलने वाले ना, दोनों रेलगाड़ियां चली और मिली, इसी मिलने वाले टास्क पर थोड़े से क्वेश्चन और हैं, देखिए ये थोड़े से जो क्वेश्चन है मिलने वाले टास्क पर, ये आपको कहाँ मिलेंगे, मैं जो बता रहा हूँ वहाँ से उठाना है आपने, है ना, मिलने वाले टास्क पर और क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे आपको, रुकिए एक मिनट, हाँ प्रैक्टिस शीट में, प्रैक्टिस शीट में आपको कहाँ आना है, प्रैक्टिस शीट का लास्ट पेज, 6 नंबर का पेज, प्रैक्टिस शीट के 6 नंबर के पेज पर आ जाइए सीधे, है ना, प्रैक्टिस शीट का 6 नंबर का पेज, ठीक है, आ जाइए प्रैक्टिस शीट के 6 नंबर के पेज पर, है ना। प्रैक्टिस शीट का लास्ट पेज, ठीक है, मिलने वाले टास्क पर ही क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक है। एक रेलगाड़ी प्रातः 8 बजे चलकर, ठीक है ना, 11 बजे, क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 6 पर है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 7 क्या क्वेश्चन है, दिल्ली से 7 बजे चलकर गाजियाबाद 11 बजे पहुंची है ना, दिल्ली से, दिल्ली और गाजियाबाद, क्लियर, दिल्ली और गाजियाबाद, दिल्ली और गाजियाबाद, क्लियर, ठीक है। अब देखिए यहां पर है ना, यदि यहां से हम देखें दिल्ली और गाजियाबाद की बात करें, ठीक है ना, तो 7 से 11 प्रातः 7 बजे चलकर 11 बजे पहुंचती है, ठीक है ना, दिल्ली से गाजियाबाद 7 से 11, ठीक है, और गाजियाबाद से दिल्ली 9 से 12.5 है ना, क्लियर है ना, 7 से 11 कितने घंटे लगेंगे, 4 घंटे, और 9 से 12.5 कितने घंटे लगेंगे, 3.5 घंटे, सात से ग्यारह 4 घंटे और 9 से 12.5 कितने घंटे लगेंगे, 3.5 घंटे, क्लियर है इतनी बात, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर
4 घंटे और 3.5 घंटे, ठीक है। अब ये सवाल में ऐसा है कि ये 7 से 11 है, 9 साढ़े 11, कितने किस समय दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस किया होगा, क्रॉसिंग पॉइंट, ठीक है। अब इस सवाल को करना है तो इसका मैंने एक बेस्ट अप्रोच बनाया है, शानदार वाला, जो मैंने आपको पहले बताया था। इधर 4 रख दे, इधर 3.5 रख दे, कुछ नहीं करना है। ये जो दोनों टाइम है इन दोनों को ऊपर मल्टीप्लाई करना है और नीचे एक दूसरे को ऐड करना है, ऊपर मल्टीप्लाई करना है और नीचे एक दूसरे को ऐड करना है। अब देखो 4 घंटे लेने वाली ट्रेन कितनी बजे चली थी, 7 बजे। बस ये इतना सा काम करना, आंसर आ जाएगा। बेस्ट अप्रोच ये मैंने खुद से बनाया है, कहीं और मिल जाए, हो सकता है किसी और ने बनाया ऐसा, लेकिन मैंने खुद से क्रिएट किया है। दिस इज द बेस्ट अप्रोच फॉर दिस क्वेश्चन। 7 बजे चलती है, ठीक है, और ये वाली ट्रेन 3.5 घंटे लेने वाली 9 बजे चलती है। अब आप एक चीज देखिए, है ना, इन दोनों की यदि हम बात करें, ठीक है, तो दोनों के निकलने में 2 घंटे का अंतर है। इस 2 को माइनस करना है हमें, जो ट्रेन पहले चली उसमें से। इस 2 को हमें किस में से, जो भी है ना, ये 7 बजे निकली, 9 बजे निकली, तो दोनों में निकलने में अंतर जो है उस अंतर को हमें माइनस करना है जो रेलगाड़ी पहले चली, पहले ये चली कि ये चली, ये चली, तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 × 3.5, बस खत्म हो गया सवाल आपका, इट्स ओवर। 4 + 3.5 = 7.5 है ना। हाँ देखिए 4 − 2 है ना, तो इसमें से 2 माइनस करेंगे, 2 × 3.5, ठीक है, और ये कितना आएगा, 7.5, क्लियर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर ले हम, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 5 से 7 बार, 5 से 15 बार, 14/15 घंटे, 14/15 घंटे को मिनट में बदल लें तो × 60, 15 × 60, 14/56 मिनट, कितना टाइम है ये, 56 मिनट। आई बात समझ में, ठीक है ना। 2 × 3.5 / 4 + 3.5 है ना, तो 14/15 घंटा यानी कि 56 मिनट। आई बात समझ में, क्लियर है, ठीक है ना। तो 56 मिनट में एक दूसरे से मिलेंगे। अब इस टाइम को किस में जोड़ना है, जो बाद में चले उसमें, तो 9 में 56 मिनट जोड़ो, 9 = 56 है ना। समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लगा, मैं करता तो एक लाइन में यहीं कहीं उड़ा देता उसको। देखो क्या करना है, 4 × 3.5, 4 + 3.5, खत्म। बस ये जो चली उसके डिफरेंस को आपको जो रेलगाड़ी पहले चली उसमें से माइनस करना है, जो पहले चली उसमें से माइनस करना है, बट जो आंसर आया उसको जोड़ना है जो बाद में चली उसमें, जो डिफरेंस आया उसको पहले चलने वाली रेलगाड़ी से माइनस करना है, 4 − 2 = 2 आ जाएगा इसकी जगह, और फिर जो रिजल्ट आए उसको जोड़ना किसमें है, जो बाद में चली उसमें, उससे आंसर आएगा 9/56, क्लियर है ना। यही मेथड आपको लगाना है, बाकी आप एलसीएम भी ले सकते हैं, 4 और 3.5 का एलसीएम, 28 किलोमीटर दूरी हो जाएगी, 4 × 4 = 28, तो इसकी चाल 7 हो जाएगी, तो बेसिक तरीका बताया है मैंने, ठीक है। तो ये है कहानी रेलगाड़ी की मिलने वाली, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा टाइप 12, है ना, टाइप 12 क्लास शीट का, जो पीछे छोड़ के आए हम, है ना, टाइप 12 क्लास शीट का, और एक और हमारा बचा है टाइप 7 शायद ना, ठीक है। तो क्लास शीट का टाइप 12 मिसलिनियस टाइप ऑफ क्वेश्चन है ना, टाइप 12 में भी हैं क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बचे हैं हमारे, है ना, ठीक है। देख लेता हूँ कितने क्वेश्चन बचे हैं, अभी कर सकते तो ठीक है, नहीं तो एक और वीडियो बनाऊंगा इसके लिए, आधे पौन घंटे का एक क्वेश्चन, नहीं कल कवर करेंगे अब हम इसको, है ना, अगली क्लास में, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे ज़्यादा क्वेश्चन हैं, है ना, चलिए ठीक है, ओके, है ना। ये टाइम एंड डिस्टेंस ट्रेंस दोनों आ गए हैं इसमें, समझ में आ रही बात आप लोगों को, रेलगाड़ी और समय दूरी दोनों टॉपिक आ गए हैं, दोनों टॉपिक की समरी एक साथ बन रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 क्लासेस हो गई, तीसरी एक और आधे पौन घंटे की क्लास हो जाएगी, तो 2.5 घंटे में 2 टॉपिक की समरी, क्लियर। तो 1.25 घंटे में एक एक टॉपिक हो रहा है ना आपका कवर, ठीक है, समरी में, है ना। तो चलिए ध्यान रखिए और समरी का इंपॉर्टेंस समझिए, ठीक है ना। और दूसरा ये भी ध्यान रखिएगा आप, क्या बोलते हैं, क्या बोल रहा था यार मैं, हाँ YouTube पर, निर्मल सर मैथ्स YouTube पर ध्यान दे, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ, बहुत काम की है, समझ आ रही बात, बहुत काम के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, तो प्लीज़ उस पर ध्यान दे, स्पीड बढ़ा के देख ले, लेकिन जो भी 2 क्लासेस अभी मैंने डाली है उन दोनों क्लासेस को देखे, एडवांस मैथ्स के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, है ना। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू, मिलते हैं।